नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ मूलांक 7 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन जरूर क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं मूलांक 7। जी हाँ दोस्तों, मूलांक 7 का जो कारक ग्रह है वो है केतु। जी हाँ दोस्तों, मूलांक 7 वाले जो होते हैं वो काफी स्वतंत्र विचार और अपने सिद्धांतों को आजीवन मानने वाले लोगों में से है। ऐसे लोग अच्छे व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, अपने आप को समाज में एक प्रतिष्ठा और रिस्पेक्ट देने के लिए वो बहुत अच्छे और लोक हित में कार्य करते हैं। अब मूलांक 7 जो है, मैं बता दूं मूलांक के बारे में, किसी भी इंसान का जैसे डेट ऑफ बर्थ आप कैसे निकालेंगे, मूलांक किसका 7 या कोई भी मूलांक कैसे निकालेंगे, उस विषय में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। किसी भी इंसान का 16/5/2001 में जन्म है तो उसका जो मूलांक है ये 16 होगा, मतलब 1+6=7। 16 को जब हम 1 और 6 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो मूलांक आएगा 7। मतलब किसी भी महीने के 7, 16 और 25 इस डेट में जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक जो होगा वो 7 ही होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, मूलांक 7 वाले जो होते हैं स्वतंत्र विचार, सिद्धांतवादी और अच्छे व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। इनको यात्रा करना बहुत पसंद होता है। ये लोग मिस्ट्री के पीछे भागते हैं, मतलब कि रहस्यमय चीजों को खोजना इनको काफी पसंद आता है। और इनका विश्वास ये रहता है कि हम किताब पढ़ के जो ज्ञान अर्जन करते हैं उससे बहुत अच्छा, मतलब 100 गुना अच्छा हम ज्ञान यात्रा करके भांति भांति के लोगों से मिलके उनके उनकी समाज व्यवस्था, उनका कल्चर, इसके बारे में जानकर और भी अच्छे तरीके से ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। ऐसे लोग ज्ञान के पुजारी होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन काल में इतिहास रचते हैं, अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि इनका जो है इतिहास में या समझ लीजिए पूरी दुनिया में स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम आता है। ये अपना अपने जो अभिव्यक्ति है उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश कर सकते हैं, अपनी अपनी अभिव्यक्ति को लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं इनकी जो शिक्षा होती है काफी उत्तम कोटि की होती है। हालांकि देखा गया कि बचपन में इनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन जिस तरह से वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं और अपनी जो ज्ञान के प्रति जो उनकी भूख है उसको पूरा करने के लिए, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए वो खुद ही इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि रैपिडली वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जितने बड़े होते जाते हैं उनका ज्ञान का सागर भी उतना ही बड़ा हो जाता है, मतलब वो उत्तम कोटि के विद्या को अर्जन कर सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं कला प्रेमी, गुप्त ज्ञान पारंगत। इनका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा दार्शनिक स्वभाव होता है। वो किसी भी चीज के बारे में इतना डिटेल तरीके से सोचते हैं, वो इतना सूक्ष्म तरीके से उनका विचार करते हैं कि हर एक बात का जो है उनका निचोड़ निकालना या उसको डिस्क्राइब करना इनसे बेहतर और कोई नहीं कर पाता। ऐसे लोगों का जो करियर होता है, ये लोग अक्सर देखे गए हैं अपनी अभिव्यक्ति अच्छी तरह से प्रेजेंट करने की वजह से ये लोग कवि, लेखक, दार्शनिक, डॉक्टर्स, अध्यापक, सरकारी नौकरी के ऊंचे पदस्थ अधिकारी और ज्योतिष भी। ऐसे लोग ज्योतिषी भी बनते हैं क्योंकि उनका जो गुप्त ज्ञान के प्रति जो उनकी भूख होती है, आग्रह होता है, इस वजह से वो खोजी स्वभाव के होने की वजह से धीरे धीरे ज्योतिष का ज्ञान खुद ही अर्जन कर लेते हैं। अब कईयों में देखा गया कि योग गुरु, ये अपने शरीर के प्रति, अपने शरीर के अंदर का जो हमारा विज्ञान है उसके प्रति भी अच्छे जागरूक होते हैं, काफी अच्छा नॉलेज रखते हैं। अब इनके इनका जो मिलनसार नंबर है, मतलब इनका किन किन लोगों के साथ अच्छी बनती है, वो है 1, 2, 3, 5, खुद 7 वालों से और 9 वालों से। इनके साथ काफी अच्छी इनकी पटती है या बनती है।
अब जिनके साथ नहीं पटती या बनती वो है 4 और 6। 4 और 6 वालों के साथ इनकी बिल्कुल भी नहीं पटती, ये बिल्कुल पसंद ही नहीं करते इनका साथ। स्वास्थ्य की अगर बात करें, ऐसे लोगों का स्वास्थ्य जो होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। गड़बड़ इन द सेंस कि इनको मानसिक रोग अधिक सताता है। ऐसे लोग कभी कभी अल्जाइमर के शिकार हो जाते हैं। इनका जो नर्वस सिस्टम है ये कभी कभी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, कभी हाइपर हो जाते हैं, और ये इनका नर्वस सिस्टम फेल हो जाने की वजह से ये लोग कभी कभी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। इनको उदर रोग यानी पेट की बीमारी का भी शिकायत रहता है। बीपी, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, हालांकि इनको लो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है लेकिन किसी किसी केसेस में हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। आंखों की बीमारी, तो कोशिश आप ये करें कि इन सब बीमारियों का निदान आप खुद ढूंढें या किसी अच्छे कंसल्टेंट डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करके अपने बीमारी का इलाज करवाएं। अब बात करते हैं इनका शुभ रंग क्या है। इनका जो शुभ रंग होता है वो है हल्का पीला। जी हाँ दोस्तों, ये हल्का पीला, ये ज्ञान के द्योतक होने के कारण इनको पीला रंग काफी पसंद आता है। अब बात करते हैं इनका रत्न कौन सा है, शुभ रत्न। शुभ रत्न जो है इनका बनता है कैट्स आई या लहसुनिया। अगर केतु किसी की कुंडली में पीड़ित हो या नीच का हो तो ऐसी अवस्था में लहसुनिया का अवश्य धारण करना चाहिए। या कह लीजिए कि किसी भी तरह का अगर आपको ऐसा फील आ रहा हो कि आपके पीछे कोई गुप्त शत्रु पड़ा हुआ है या कोई आपकी आपका जो नुकसान करना चाहता है, ऐसी अवस्था में भी अगर आप केतु का उपाय या लहसुनिया धारण करेंगे तो काफी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। आपके गुप्त शत्रु के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे और जिस वजह से आप अपने आप ही अलर्ट रह सकेंगे। अब इनको कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए जिसको जिससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिले। इनके जो देव हैं वो हैं श्री बालाजी, श्री हनुमान जी। हनुमान जी का पूजन अगर ये हर मंगलवार और शनिवार को करें तो इनके बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे दुख जो है ये हनुमान जी बिल्कुल निवारण कर देंगे। इनको अगर कोई भी, अगर मैं एक छोटी सी सलाह दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है कि ये अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो काफी उत्तम, काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था 7 नंबर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज 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 शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।